न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे 2023 में। 2023 में नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे। हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया कि वोटर आईडी कार्ड 2023 में किस तरह का नया आता है। तो आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट किया कि भाई एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे या कैसे किया जाता है। इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये वीडियो एक डेमो वीडियो रहेगी जिसमें आप केवल अपनी इन्फॉर्मेशन को जिसमें शेयर कर एक कंप्लीट बना सकते हैं। जी कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपके सामने इस तरह का नया यूजर फेस इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आई आप एग्री पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लैंग्वेज का सिलेक्ट करना होगा कि आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वोटर आईडी का इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे, इस तरह का यूजर फेस इंटरफेस शो होगा। अब आपको पहले यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, इसके लिए आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोफाइल एंड अदर सेटिंग का दिखाई देगा। तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू यूजर। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक नया यूजर फेस आएगा। जो भी आपकी ओटीपी आएगी यहाँ पर आप ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे जिस भी ईमेल आईडी को आप लिंक करना चाहते हैं इस अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देंगे, पासवर्ड कुछ आपका इस तरह का होना चाहिए। उस पासवर्ड को दोबारा से नीचे लिखेंगे या कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट बटन, सबमिट और बटन पास। उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन आ जाएंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको थ्री लाइन दिखाई देंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अभी जिससे भी नंबर, जिस नंबर से आपने भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपनी विधानसभा सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपकी विधानसभा लगती है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो उस पर क्लिक करके अपने इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के थ्रू बनवाना है इसलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसका नीचे पर क्लिक करेंगे, नीचे से क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एक फ़ोटो अपलोड करना होगा जो कि 2 MB से कम होना चाहिए। इसके लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट गैलरी से या आप कैमरे से अपलोड कर सकते हैं। कैमरे से अपलोड करने के लिए कैमरे आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर परमिशन देंगे। जैसे यहाँ परमिशन देंगे तो आप यहाँ का इस तरह का उसका क्लिक करेंगे, एग्जांपल के लिए उसका क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह का आपका फोटो जब कैमरे से खींच लेंगे तो उसके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके यहाँ से साइज छोटा या अपने हिसाब से स्क्रोल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अगर आप गैलरी में तो आप गैलरी से सिलेक्ट करेंगे, गैलरी से एग्जांपल के लिए कोई फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसे यहाँ पर टेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। जब आप अपलोड कर देंगे कुछ आपका फ़ोटो इस तरह का अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन शो होगी। उसका नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का यूजर फेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एक अपलोड फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो फ़ोटो आपके पैन वोटर आईडी कार्ड पर लिख बन कर आएगा वही यहाँ पर फोटो देंगे जो आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर चाहते हैं। उसे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नाम देंगे, नाम ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होता तो आप चेंज कर सकते हैं खुद से। उसके बाद अपना सेकंड नाम देखें, जैसे मेरा नाम पवन दिलीप तो मैं यहाँ पर पहले पवन लिख दूंगा, उसका दिलीप तो यहाँ पर पवन ऑटोमेटिक हिंदी में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालकर जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल देंगे। एक ईमेल आईडी रजिस्टर करना है तो उसे यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी नहीं एंटर करेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी कम है या विकलांगता है तो उनमें से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं हैं तब आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का यूजर फेस आएगा। यहाँ पर आप फादर मदर आप किसी को सिलेक्ट कर लेंगे और उनका आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे उनका नाम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हिंदी में चेंज आएगा। उनका आप सेकंड नाम देंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में चेंज हो जाएगा।
ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एड्रेस, अब वही एड्रेस डालेंगे जिस पर ये वोटर आईडी कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा या किया जाएगा। तब यहाँ पर आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे कि अगर आपका रोड नंबर है या गली नंबर है उस गली नंबर डाल देंगे, आपका मोहल्ला है तो आप यहाँ पर अपना मोहल्ला डालेंगे पूरा एड्रेस के साथ। उसके बाद यहाँ पर सिटी या विलेज या आपका कोई गांव है तो उस गांव को डालेंगे। आपका पिन कोड क्या लगता है उस पिन कोड को नीचे एंटर करेंगे। अगर आपका टाउन है, शहर है या आपका कोई सिटी है तो उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस डालेंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है। पोस्ट ऑफिस को आप यहाँ पर उसका द्वार लिख सकते हैं, नहीं तो आपसे ऑप्शन ऐसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, आपका पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट का। तहसील डालेंगे, आपकी क्या तहसील है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ देंगे जिसमें अपना हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आधार कार्ड के फिर से हम उसी तरह के फोटो खींच के अपलोड करेंगे जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था। अपनी इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट कर देंगे, अब आप ऊपर की तरफ स्कोर करते जाएंगे। अब यहाँ से आप किसी भी फादर, मदर, वाइफ या किसी का एक वोटर आईडी कार्ड मतलब यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसका वोटर उनका नाम देंगे और यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का यूजर फेस आएगा, आपको ऑटोमेटिक ऊपर स्टेट शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज या टाउन या अपने शहर का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अपने यहाँ कब से रह रहे हैं उस डेट को सेलेक्ट कर देंगे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उस पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा है, यहाँ पर अपनी प्लेस डालेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, उसका डन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक होते जाएगी, आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पर सब एडिट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी कंफर्म करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी नाम में, तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर कट कर कर आप दोबारा से बैक आ जाएंगे। जो भी आप चेंजेस करना है यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, इसलिए डन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने फिर से उसी जगह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर कन्फर्म करते जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा, इसे आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने का ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस फॉर अपॉइंटमेंट का, यहाँ पर आप स्टेटस फॉर स्टेट अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप रेफर आईडी नंबर डाल देंगे, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और स्टेटस ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का यूजर फेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सबमिट हमने डिटेल कर दी है, उसके बाद बीओलो रिपोर्ट लगाएगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मतलब बन चुका या नहीं बन चुका, जो भी रीजन होगा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यह नंबर आपके ईमेल आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया गया है। इस तरीके से एक नया वोटर आईडी कार्ड आप बना सकते हैं खुद से घर बैठे। कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वोटर आईडी कार्ड से कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज हो, नीचे हमें कमेंट करिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आगे इसी तरह के नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।